नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम टोंक खुर्द। बारिश के समय खरपतवार व गाजर घास से टोंक खुर्द जनपद का परिसर व मुख्य द्वार के दोनों ओर गंदगी का साम्राज्य हो रहा था, मगर जवाबदार आंख मूंद कर आते व चले जाते थे। जब उनके स्थानांतरण के बाद विदिशा जिले की नटेरन जनपद से पर्यावरण प्रेमी साफ सफाई की सार्थक पहल को अमल करने वाले कुशल व्यक्तित्व के धनी लाखन सिंह सिसोदिया ने खुद ने हसिया उठाकर खरपतवार की कटाई में जुट गए। जब माजरा देखा तो जनपद अधिकारियों में चरत कुमार शिवहरे, गगन सैंधव, पंकज श्रीवास्तव, दिलीप सिंह राजपूत, देवकरण तिलोदिया भी सफाई कार्य में जुट गए। इतना देखकर सरपंच संघ अध्यक्ष सूरज सिंह चांदना, सचिव संघ अध्यक्ष मनोहर सिंह सायल, सरपंच प्रतिनिधि चंद्र सिंह अमलावतिया, सरपंच महिपाल सिंह सैंधव, सरपंच तेज सिंह सैंधव, सरपंच बलवान सिंह सैंधव के अलावा उनके सरपंच सचिव, रोजगार सहायक तथा स्वच्छता ग्राही मिशन की टीम के कांतिलाल जोशी, मोहनलाल सोनी व साथियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई व सफाई अभियान को देखकर आवाजाही के कदम थमते नजर आए। उपरांत इसी कार्य को लेकर नवागत जनपद सीईओ सिसोदिया मीडिया से भी रूबरू हुए। देखिए, बारिश के बाद सामान्यतः हम हमारी परंपरा के अनुसार भी दिवाली पर घर की साफ सफाई करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरी जनपद पंचायत के जो परिसर में ये थोड़ा बारिश के कारण गंदगी हो गई है जी, तो इसको साफ सफाई को लेकर हम एक सफाई अभियान के रूप में इसको स्वच्छता और साफ रहे मेरा जनपद का परिसर जी, इसलिए प्रयास कर रहे हैं स्वेच्छाग्राही और इनका सहयोग ले रहे हैं इसमें। और मेरे जनपद का स्टाफ है, यहाँ सरपंच संघ के अध्यक्ष जी है, दूसरे सरपंच साहब भी है और मेरा जनपद स्टाफ है। हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि परिसर अच्छा स्वच्छ साफ रहे, वातावरण यहाँ का स्वस्थ रहे। खबर समय जगत के लिए टोंक खुर्द से हरिओम जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।